मानव का जो धर्म है समय समय पर इसकी परिभाषा बदलती रही है। धर्म तो एक ही है। गुरु महाराज ने धर्म के प्रति वर्णन किया हुआ है, कथा प्रकाश में भी, साधन प्रकाश में भी। वीर हकीकत राय जी अपने धर्म में हिंदू धर्म सर्वोत्तम, सबसे प्राचीन, पूर्ण उनको आस्था, प्रीति करने वाले, हिंदू धर्म में जो नियम, जो मर्यादा, जो विधान वर्णन किया, गुरु महाराज ने वर्णन किया है धर्म। एक तो मनु महाराज ने धर्म का वर्णन किया, धैर्य, क्षमा इत्यादि, वह धर्म के 10 लक्षण। और कथा प्रकाश में गुरु महाराज ने वर्णन किया कि जो श्रद्धा है मनुष्य में आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, परलोक के लिए, इसमें दृढ़ व्रति होना, शुभ कर्मों को करना, जिन निश्चयों को, विश्वासों को, नियमों को और व्रत मनुष्य धारण कर ले रहे, वही धर्म अनुकूल है। जो धारण किया हुआ नियम है, व्रत है, उसकी आत्मा को ऊपर ले जावे, दृढ़ व्रति। और साधक मन से इस प्रकार दृढ़ व्रति होवे, कैसी भी अवस्था क्यों ना हो जाए, डामाडोल ना हो। अब हकीकत राय जी वीर है, विपरीत अवस्था में भी मेरु समान, अचल, निडर, निर्भीक अपने धर्म से नहीं हिले। तब उस काल में हिंदू और हिंदू की बात करना क्रूर प्रशासन के सम्मुख मोहम्मडन पीरियड है। पंजाबी शरीर है वीर हकीकत राय जी का, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं बड़े गर्व से कहा करते थे कि पंजाबी मेरा शरीर है, बड़ा गौरव गौरतन वह ये बात कहा करते कि मैं पंजाबी हूं। वीर हकीकत राय जी का वर्णन करते हुए गुरु महाराज बता रहे हैं, तब शासन और शासक बड़े क्रूर कर्मी, पंजाब में रहना और हिंदू कहलाना, अपने बच्चे बच्चे को कटवाना था, हिंदुओं पर भारी विपदाएं
उनके शासन में नित प्रतिदिन ये विप्रा करती। तब क्रूर कर्मी शासक हिंदू धर्म के ही शत्रु बनकर रहा करते। दमन की नीति दबा के रखो, अन्याय अनर्थ दिन रात किया करते। एक बार यवन युवक के साथ वार्तालाप चल रही, वीर हकीकत राय जी पक्के हिंदू धर्म, जो नियम जो मर्यादा हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म प्राचीन यह धर्म है, इसमें विनम्रता बहुत है। सर्वे भवन्तु सुखी नाम, सबके लिए सबकी सुख कामना करना, ये हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। ना किसी से अन्याय करना और ना अन्याय को सहना, ये भाव हकीकत राय जी में कूट कूट कर भरे हुए थे। अब वह मुसलमान युवक वह वार्तालाप में उस मुसलमान युवक ने हिंदू इष्ट को गाली दे दी। अब एक तो पक्का हिंदू धर्म में पंजाबी खून कैसे सहन कर लेता। हकीकत राय जी ने उसी शब्दों से उसके जो धर्म है उनके ऊपर कटाक्ष कर दिया। हिंदू धर्म माता पिता की सेवा मूर्तिमान उदाहरण है श्री रामचंद्र जी महाराज। किस प्रकार माता पिता की पूजा, कैसे माता पिता दो देव बखाने मूर्ति मान गए हैं, माने स्वयं रघुनाथ जी जब मदमा मां कैकेयी का हुक्म हुआ वनों को जाने के लिए, दंडक बन जाने के लिए, कोई अपराध नहीं है, कोई ऐसा कृत नहीं है कि देश निकाला दिया जावे, नतमस्तक हो गए। यह हिंदू धर्म की रीति आज तक बड़ा भाई पिता समान उनकी आज्ञा का पालन करना, बड़े पुत्र के लिए ही अगर पिता अपने प्राण त्याग दिए तो केवल बड़े भाई के लिए पिता की मृत्यु मानी जाती, छोटे भाई के लिए बड़ा भाई ही पिता स्वरूप वह सम्मुख। ऐसा विधान ये हिंदू धर्म में और उस मुसलमान युवक ने हिंदू इष्ट को गाली दी, जबकि वीर हकीकत राय जी मोहम्मदंस में मुसलमानों में क्या चल रहा है हिस्ट्री आज तक प्रमाण है। पुत्र ने पिता को बंदी बनाकर राजपाट छीना, पुत्र ने ही पिता को बेड़ियों में जकड़कर कैद खाने में डाला और वह हिंदू इष्ट को गाली दे रहे।
वीर हकीकत राय जी का। उसको बदले में बताया तुम्हारा धर्म क्या है, क्या कर रहे हो तुम। वह तो लालो लाल हो गया, अन्याय नहीं सहन हुआ। अब जब उस यवन युवक को वीर हकीकत राय जी ने वही जो गाली उसने हिंदू इष्ट को दी, वह उसे वापस की और उसे याद दिलवाया कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम स्वयं अधर्म पर चलते हो, पिता को बेड़ियां डालकर बंदी बनाकर कैद खाने में डालकर शासन करते हो, और जो ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जब कोई भी ऐसा अपराध नहीं, पिता का वचन का पालन करने वाले, तुम हिंदू धर्म से किसी प्रकार से भी कहीं दूर विपरीत तुम्हारी अवस्था इत्यादि वार्तालाप। जब हकीकत राय जी ने उनके धर्म पर चोट पहुंचाई, तब वह युवक हाहाकार करता हुआ शासक के पास पहुंच गया। वह क्रूर कर्मी है, दमन की रीति है, हिंदू धर्म का उत्थान ना हो, ये आज तक जो बीज बोए हुए हैं वह समाप्त नहीं हुए आज तक। यह दमन की नीति, हिंदुओं पर अत्याचार, बंगाल में क्या हो रहा है, कहां लक्ष्मी पूजन, वह शोभा यात्रा, वह तो नहीं निकल सकती, परंतु उनके मोहरम, उनकी